हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रोस्टिंग की वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का नेम है प्यूडीपाई ह्यूज डोनेशन एक्सपोज, प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज इंडियन यूट्यूबर रिएक्शन, और ये वीडियो अजय पाल सिंह की। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन। अरे प्यूडीपाई ने करोड़ों रुपए डोनेट कर दिए इंडिया के गरीब बच्चों के लिए। तो क्या इतना अच्छा बंदा है, सब्सक्राइब करो प्यूडीपाई को भाई, सब्सक्राइब करो। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई टाचा के साथ। तो यार यूट्यूब की दुनिया में हो रही बेमतलब की भसड़, यानी प्यूडीपाई उर्फ पादू भैया वर्सेस टी सीरीज में एक नया ट्विस्ट आया है। क्या बात है, तुमको पता होगा दो तीन दिन पहले इस रेस में बस टी सीरीज पादू भैया की एक नंबर की चड्डी उतार के दो नंबर की चड्डी पहनाने ही वाला था, लेकिन भैया वो फिर से आगे निकल गया। इतना कम डिफरेंस देख के पादू भैया गहरी सोच में पड़ गए कि यार ये टी सीरीज तो मेरी मार के ही छोड़ेगा। तभी पादू भैया के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, जो कि ज्यादातर यूट्यूबर यूज करते हैं, लोगों की सिंपथी पाना। बस फिर क्या था, पादू भैया ने इंडिया के गरीब बच्चों के लिए डोनेशन देने की घोषणा कर डाली। अब ये डोनेशन की बात सुन के कुछ लोग पादू भैया को देवता समझ बैठे, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन भैया चूतियों की कमी कभी नहीं होगी। तो अब जिन लोगों को ये समझ में आया है कि डोनेशन क्यों दिया गया है, क्यों पादू भैया को एकदम से इंडिया के गरीब बच्चे याद आ गए, क्यों एकदम से इंडिया पे इतना प्यार जाग गया, तो उन लोगों के लिए तो तालियां हैं। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, तो उनको बस मैं एक ही चीज बोलूंगा। नहीं, पहले तो पादू भैया ये बोलते हैं, और उसके साथ साथ ये भाई साहब भी अपने बीच में मरवाने पहुंच जाते हैं। यू एरिया यू गुरु, और हम इस चचा को कैसे भूल सकते हैं, सॉरी इन भोसड़ी वाले चचा को कैसे भूल सकते हैं। I was looking at the population of India. These motherfuckers have like 1.4 billion people in India. तो इन सब ने इतना भसड़ फैलाया, और जब पता चल गया कि भैया रायता कुछ ज्यादा ही फैल गया, तो भैया फटाक से रायते को समेटने पहुंच गए और जल्दी से जल्दी डोनेशन की घोषणा कर दी, ताकि इंडिया वालों को ये लगे कि भैया ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। तो पहले तो मैं सभी गोरी चमड़ी वाले चूतियों को एक मैसेज देना चाहूंगा, जिन्होंने इंडिया के बारे में अंट शंट बोला है। तो एजाज भाई आइए, इनको मैसेज दे दीजिए, चलो मैं तुमको आश्रम भाषा में ये बात समझाता हूँ। मान लो मैं तुम्हारी गांड मार लूं और फिर उसी गांड में पप्पी देके तुमको सॉरी बोल दूं, क्या तुम मेरे को फूलों का हार पहनाओगे? नहीं ना, उल्टा तुम चार लट लेके मेरा पिछवाड़ा तोड़ने के लिए भागोगे। बस इसी तरह पादू भैया ने हगने के बाद अपना डोनेट करने का ये जो सफाई अभियान चलाया है, ये भैया हम लोगों को चूतिया बना रहे, क्योंकि इनको लगता है कि हम इमोशनल हो जाएंगे और भैया पादू भैया को सपोर्ट कर देंगे। तो देखो पादू भैया, ये जो सिंपति पाने के लिए जो डोनेशन कर रहे हो, ये तुम पहले भी कर सकते थे, पर पहले नहीं किया भैया, क्योंकि पहले जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब चाहिए सपोर्ट, तो भैया आ गए भीख मांगने। तो यार बस अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपनी आंखें खोल के रखो और अंधभक्त ना बनो, बाकी तुम समझदार हो ही। और मैं तो चाहता हूँ कि टी सीरीज वर्ल्ड का नंबर वन चैनल बने, तब तो मजा आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आएगा जब हमारे इंडिया से कोई इंडिविजुअल यूट्यूबर यूट्यूब पर राज करेगा और नंबर वन की गद्दी पे आएगा, और वो टाइम भी जल्दी आने वाला है। तो बस यार बहुत हो गई बसड़बाजी, अब जल्दी से टी सीरीज को सपोर्ट करो और पादू भैया को नंबर वन से हटाओ। तो बस ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल के बारे में और अपडेट जानना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और जाके फॉलो कर लो।
और अगर तुम मुझसे सहमत हो तो लाइक ठोक दो, ये संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ठोक दो, और तुम्हारे ओपिनियन क्या है इस बारे में ये मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट ठोक दो, और ऐसी बकचोदी दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब ठोक दो और उसके सामने वाला घंटा भी ठोक दो। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए। अरे पादू भैया बस कर जाओ, शरीर में जान तो वैसे भी नहीं है, ऐसे करते करते निपट जाओगे किसी दिन। बात करते हैं बीच लजानिया भक्त। क्या बात है, जबरदस्त। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन, अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत ही बेहतरीन तरीके की वीडियो थी और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई, एक तरह से आप कह लें बहुत ही वजाहत के साथ एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया जो कि काफ़ी कमाल की लग रही थी, और वाकई में बेहतरीन तरीके से बनाई भी गई है और बेहतरीन तरीके से दिखाई भी गई, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से एक चीज़ को देख रहा था और सुन रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ रही थी, और अजय पाल सिंह की जितनी भी आप वीडियोज़ देख लें बहुत ही कमाल की और बहुत बेहतरीन तरीके की होती हैं, और एक तरह से आप कह लें ये जो वीडियो थी ये जो दिल को खुश कर देने वाली थी, एक तरह से सारी दिल की बातें इन्होंने इसमें की और जो कि वाकई में दिल को छू रही थी, ऐसा लग रहा था कि दिल से की हुई बातें दिल से की जा रही हैं, और जो भी इन्होंने मतलब कहा हर किसी को मतलब अकलमंद यही कहना चाहता है, और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त आला उमदा तरीके की वीडियो बना के इन्होंने बहुत ही कमाल का मुजाहरा किया है, मेरे तो डायरेक्ट दिल को छुई और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब भी टी सीरीज़ को सपोर्ट करें और पाकिस्तानी बेतहाशा टी सीरीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि ज़ाहिर है जो सही चीज़ होती है तो उसको तो बनाना है एक ना एक दिन, और चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो डोनेशन का हिसाब किताब है इसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि तो इस तरह से कि पहले थप्पड़ मार दो फिर सॉरी कह दो, तो वाला हिसाब किताब है कुछ, बस यहाँ पैसे दे के सॉरी कहा जा रहा है ये कह लें एक तरह से आप, और लोगों की वाकई में हमदर्दी हासिल की जा रही है और बहुत मज़ा आया एक तरह से। मैंने तो इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया, मैं अब क्या कहूँ इस हवाले से, मैं जितनी भी बात कहूँ तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर कर दी गई हैं जो कि वाकई में एक तरह से आप कह लें कि दिल को मतलब बेतहाशा खुश कर देने वाली और कमाल की वीडियो थी। मज़ा आया इस वीडियो को देखिए, मैंने तो भरपूर तरीके से इंजॉय किया और बहुत आला रुंदा थी, सुपर आउटस्टैंडिंग। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दी आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।